हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, बिकॉज़ कुछ कंप्लेंट्स थी आपके कि वॉइस धीरे है, तो मैंने हेडफोन यूज़ किया है। तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है, आप सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट कर दें। वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो गाइज आई होप कि आप लोग भी नहा धो के अच्छे बच्चों की तरह हमारा करंट अफेयर्स इंजॉय करेंगे चाय और कॉफ़ी के साथ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं गाइज अपना सेशन, और स्टार्टिंग करते हैं हमेशा की तरह। गाइस, तो मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि गाइडी ने एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है आपको टोल फ्री। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू, गुड गुड, बहुत बढ़िया। 1-800-313-4483, ये एक टोल फ्री नंबर है, आप इस पर कॉल करिए और अपना करियर गाइडेंस लीजिए, पर्सनल काउंसलिंग लीजिए। यकीन मानिए गाइस, काफी फायदे वाली चीज है ये। मतलब हो सकता है कि कुछ डाउट्स आपके हो, आपको सिलेक्शन को लेकर बहुत सारे डाउट होते हैं, तो आप यहां पर अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, आवाज आ रही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आपको गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में पता है? गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्स हमने लॉन्च किया था आपके लिए, प्री से लेकर मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। सारे लेक्चर इसमें रिकॉर्डेड है बेटा, दो क्वांट की, दो रीजनिंग की, एक इंग्लिश की और एक जे क्लास आपको इसमें मिलती है। इसमें आपको एक साल का मॉक टेस्ट भी मिलता है, लाइफ टाइम वैलिड कोर्स है। 2249 में आप इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक। और अगर आप मेरी बात करें गाइस, तो आज है थर्सडे और आज आपकी 7 बजे आप ये करंट अफेयर्स क्लास देख रहे हो, और दिन के 2 बजे आप देखो यहाँ पे तो जीए मेंस की क्लास है, तो आज आपकी जीए मेंस क्लास दिन के 2 बजे है। चूंकि एग्जाम के नोटिफिकेशन आ गए हैं और आपको पता है कि एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन कितना टफ है, तो मेरे ख्याल से आप लोग 2 बजे आएंगे और ये मेंस क्लास तो आप कभी छोड़ेंगे नहीं। 40 क्वेश्चन की पूरी सीरीज आपको यहां पर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब डेली करंट अफेयर्स की बात करते हैं। उससे पहले बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सब लोग, जितने भी लोग बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन आएंगे, और शेयर कर सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं गाइस अपने मोटिवेशनल कोट के साथ, और हमारा मोटिवेशनल कोट आपके सामने यहां पर आ चुका है। देखिए मोटिवेशनल कोट है, डोंट डाउनग्रेड योर ड्रीम जस्ट टू फिट योर रियलिटी, अपग्रेड योर कन्विक्शन टू मैच योर डेस्टिनी। डोंट डाउनग्रेड योर ड्रीम, डाउनग्रेड योर ड्रीम मतलब मैक्सिमम, अगर मैं बोलूं तो मतलब मैक्सिमम बच्चा जब भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है तो उसे क्या लगता है, आप लोग अपने दिल से पूछिए। तो आपको लगता है कि यार चलो फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, या SSC की, या फिर बैंकिंग की, तो उसमें हम ऑफिसर रैंक की तैयारी करें या हम क्लर्क लेवल की तैयारी करें, और हमेशा हमें लगता है कि यार ऑफिसर लेवल तो हमसे हो नहीं पाएगा शायद पहली बार में, पहले क्लर्क बन जाते हैं फिर उसके बाद हम आगे पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। कुछ जॉब मिल जाए, हम सोचते हैं कुछ जॉब मिल जाए फिर बाद में हम देख लेंगे, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। तो एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए कि भाई बनना है तो ऑफिसर बनना है, क्लर्क वगैरह नहीं बनना है, उस ग्रेड पे जाना ही नहीं है। और वाई वनली इनकम टैक्स ऑफिसर और लाइक रेलवे में कुछ ऑफिसर बन गए, अभी आप बैंक में ऑफिसर बन गए, भाई आगे आगे UPSC भी है, आगे बहुत बड़ा जहां है, आगे RBI ग्रेड भी है, आगे SEBI भी है, NABARD भी है, तो वाई नॉट, मतलब वो सब सपने हम क्यों नहीं देखते, क्योंकि हम अपने आप पर बिलीव ही नहीं करते। भाई छोटा सपना देखोगे छोटा अचीव करोगे, बड़ा सपना देखोगे बड़ा अचीव करोगे, है ना। तो अभी की बात करें तो अपने ऊपर बिलीव करने वाला टाइम है, सिलेक्शन लेने वाले, सिलेक्शन मतलब ये लाइफ कभी रुकने वाली नहीं। आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको इंटरनल प्रमोशंस लेने पड़ेंगे, लाइफ में आगे बढ़ना है गाइस, बहुत सारी चीजें होती, तो हमेशा बस अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखो कि हाँ हमें करना है, हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं गाइस सेशन की अपने, और स्टार्टिंग करेंगे रिपोर्ट इंडिसेस रैंकिंग की। मैं हेडफोन में कंफर्टेबल हो नहीं पा रहा हूं, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कितना तेज बोल रहा हूं कितना धीरे बोल रहा हूं, तो मैं ये हेडफोन हटा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम कम लगती है मुझे बोल दीजिएगा, मैं कुछ करता हूं, ठीक। चलिए तो गाइस रिपोर्ट इंडिसेस रैंकिंग की बात करेंगे, और यहां पर हम बात करेंगे स्टार्टअप की, यहां बात करेंगे स्टार्टअप की और बात करेंगे यूनिकॉर्न की। गाइस आप यहां पे यूनिकॉर्न देख पा रहे हैं, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप जिसके पास $1 बिलियन का पैसा आ चुका है, संपत्ति आ चुकी है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक। और इंडिया यूनिकॉर्न के मामले में 4th नंबर पे है। गाइस आपको याद होगा इसके पहले वाले एडिशन में जो रैंकिंग हुई थी उसमें इंडिया 3rd नंबर पे था, और अभी इंडिया 4th नंबर पे है ग्लोबली। इंडिया के पास 21 यूनिकॉर्न है जिनकी टोटल वैल्यू मिला जुला के $73.2 बिलियन हो रही है,
और अगर पूरे रैंकिंग की बात करें गाइस, तो यूएस विथ 233 यूनिकॉर्न टॉप, मतलब इस समय यूएस के पास सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, 233 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब टेक स्टार्टअप जिनके पास $1 बिलियन की संपत्ति आ चुकी है, पैसा आ चुका है, उन्हें हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो $1 बिलियन स्टार्टअप की बात करें गाइस, तो यूएस के पास 233 स्टार्टअप है नंबर एक पर, इंडिया के पास मात्र 21 स्टार्टअप है नंबर फोर पर। और ये लिस्ट किसने निकाली है? होरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020। आइए इसके बारे में बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आइए देखिए यहां पे, देखिए तो होरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी अपनी एक रिपोर्ट निकाली, और इनके रिपोर्ट के हिसाब से देखो इसका नाम क्या है, होरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट, एक रिपोर्ट निकाली, एक लिस्ट निकाली है, और इस लिस्ट के हिसाब से वर्ल्ड $1 बिलियन टेक स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो किसकी क्या रैंक है, मतलब ऐसे स्टार्टअप जो कि सन 2000 का मतलब जो कि आप कह सकते हो 20वीं सदी में बने हैं, 2000 के बाद बने हैं, और जो अभी तक शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। गाइस स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब होता है आपकी कंपनी अभी शेयर मार्केट पर लिस्टेड नहीं है, पब्लिक पैसा लगा नहीं सकती है, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, आप मालिक हो। तो कहने का मतलब स्टार्टअप का मतलब समझिएगा, स्टार्टअप का मतलब जो अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं हुई है। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसी कंपनी जिसके पास $1 बिलियन का निवेश आ चुका है लेकिन वो कंपनी अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं हुई है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां से शुरू होगा, यहां से। तो ये जो 2020 में लिस्ट आई है ये सेकेंड एडिशन है, और इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में टोटल 586 यूनिकॉर्न की रैंकिंग हुई है, ठीक, जो 29 कंट्री पे रैंकिंग की है, किया गया है, और 145 सिटीज पे रैंकिंग किया गया है, यानी 29 देशों में 145 सिटीज में 586 यूनिकॉर्न की रैंकिंग की गई, और इन 586 यूनिकॉर्न को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो टोटल मार्केट कैपिटल $1.8 ट्रिलियन है, यानी इक्विवेलेंट टू द GDP ऑफ इटली। यानी ये 586 स्टार्टअप की कैपिटल को हम कंबाइन कर लें तो 1.8 ट्रिलियन यूएसडी का अमाउंट बनेगा, 1.8 ट्रिलियन का, जो कि इटली की जीडीपी के बराबर होगा। आगे बढ़ेगा इस देखिए, अब ये जो 586 स्टार्टअप है अगर इनका एवरेज एज निकालें तो इसकी एवरेज एज आएगी कितनी, 9 साल, यानी हर कंपनी 9 साल से काम कर रही है एवरेज एज की बात करें, ठीक। और ये एज हमने कब तक काउंट किया है, 31 मार्च 2020 तक, यानी 31 मार्च 2020 तक में अगर हम काउंट करें तो हर स्टार्टअप की एवरेज एज 9 साल आ रही है। भाई किसी का 10 साल हुआ होगा, किसी का 2 साल हुआ होगा, किसी का 1 साल हुआ होगा, एवरेज करें तो 9 ईयर आ रही है एवरेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुनना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखो अब यूनाइटेड स्टेट की बात करें गाइस, तो इनके पास सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, 233 यूनिकॉर्न, और चाइना नंबर 2 पर है, चाइना के पास 227 यूनिकॉर्न है, 227 यूनिकॉर्न है। और पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें गाइस, तो चाइना और यूएस 80% यूनिकॉर्न कवरेज रखते हैं, मतलब अगर अगर हम मतलब 100 यूनिकॉर्न की बात करें तो 80 यूनिकॉर्न केवल यूएस चाइना से आते हैं, सोचिए जरा इन्होंने कितना बढ़िया काम किया है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सारी बात, देखते हैं। देखिए यूके जो है, यूके ने हमें पीछे कर दिया है, और यूके के पास इस समय 24 यूनिकॉर्न है और इंडिया के पास 21 यूनिकॉर्न है, यानी पहले पे यूएस हो गया, दूसरे पे चाइना हो गया, तीसरे पे यूके हो गया, और चौथे पर इंडिया हो गया है। इंडिया के पास 21, यूके के पास कितना हो गया, 24 हो गया। अगर चाइना की बात करें तो चाइना के पास 227 आप देख पा रहे हैं, और वहीं यूएस की बात कर लें तो यूएस के पास कितना हो गया, 233। ये है पूरा डेटा, यूएस 233, चाइना 227, यूके 24, इंडिया 21, ठीक। आगे बढ़े, देखिए अब बात करते हैं इंडिया इन द लिस्ट, इंडिया की क्या पोजीशन है उसके बारे में बात कर लें। तो गाइस इंडिया के पास 21 यूनिकॉर्न है, और ये 21 यूनिकॉर्न को अगर हम मिला दें, इनकी मार्केट कैपिटल को हम मिला दें, तो टोटल मार्केट कैपिटल $73.2 बिलियन आती है, ठीक। और जो हमारे पास 20 यूनिकॉर्न है इसमें सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, पेटीएम के पास, पेटीएम नंबर एक पर, पेटीएम इज इंडियाज हाईएस्ट वैल्यू यूनिकॉर्न एट $16 बिलियन। गाइस पेटीएम बहुत बड़ी कंपनी है आपको पता है, लेकिन पेटीएम अभी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं हुई है, अभी ये स्टार्टअप ही है। तो पेटीएम के पास $16 बिलियन का निवेश है सब, ठीक। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 21 यूनिकॉर्न है, लेकिन इन 21 यूनिकॉर्न में पेटीएम ही अकेले है जिसके पास बहुत पैसा है, और सारी कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है। तो पेटीएम जो है वो अलोन 22% मार्केट कैपिटल कवर करता है,
बाकी जो 20 यूनिकॉर्न है ये मिलके 78% मार्केट कैपिटल कवर करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अगर इंडियन यूनिकॉर्न की बात करें जो 21 कंपनी है उनकी एवरेज ईयर कितनी है, 7 साल। वर्ल्ड की कितनी थी, वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की 9 साल, इंडिया की 7 साल। और इंडिया का सबसे सबसे नया स्टार्टअप कौन है, वो है ओला इलेक्ट्रिक कार। ओला जो इलेक्ट्रिक कार में आ रहा है ये यंगेस्ट यूनिकॉर्न है जिसको 2017 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको हम दिखाई रहे हैं। उसके बाद गाइस देख लीजिए, अगर आप वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड की, तो अलीबाबा ग्रुप की कंपनी है एंट फाइनेंशियल ग्रुप, एंट फाइनेंशियल ग्रुप, जो कि वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल बिलियन डॉलर स्टार्टअप है और इसके पास 150 बिलियन डॉलर की संपत्ति, मतलब चाइना की है एंट फाइनेंशियल, इसके पास 150 बिलियन डॉलर का निवेश है। वहीं आप पेटीएम की बात कर लें, जो इंडिया की पेटीएम है, उसके पास कितना निवेश है, उसके पास केवल 16 बिलियन, मतलब चाइना से हम कितने पीछे। हमारी टॉप कंपनी पेटीएम 16 बिलियन डॉलर, और चाइना की टॉप कंपनी, पूरे वर्ल्ड की टॉप कंपनी 150 बिलियन। हम कहां पे एग्जिस्ट करते हैं आप देख लीजिए। तो ठीक है, और देख लीजिए, ये मैं आपको पूरी लिस्ट दे रहा हूं इंडियन स्टार्टअप की। तो इंडिया में आप देखें पेटीएम नंबर एक पर है, ओयरूम नंबर टू पर है और बायजूस नंबर तीन पर, अगर मार्केट कैपिटल की बात करें। हालांकि मैंने आपको टॉप 10 लिस्ट दी है, लेकिन आप तीन याद रखें, पेटीएम, ओयरूम्स, बायजूस। ठीक, ये स्टार्टअप कंपनी की बात करें। वहीं गाइस अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो आप देख पा रहे हो यूएसए नंबर एक पर है ना, यूएसए नंबर एक पर है। यूएसए के पास 233 स्टार्टअप है और प्लस 30, मतलब पिछले साल से अगर इस साल की तुलना करें तो 30 स्टार्टअप बढ़ चुके हैं। वहीं अगर आप इंडिया की बात करें चौथे नंबर पे, तो इंडिया के पास 21 स्टार्टअप है और 0 लिखा हुआ है यहां पर, यानी इंडिया के पास मतलब पिछले साल से एक भी यूनिकॉर्न नहीं आया, एक भी यूनिकॉर्न नहीं आया है। ठीक है, और अगर आप सिटी की बात करें तो सिटी के हिसाब से बीजिंग, बीजिंग नंबर एक पर है, बीजिंग के पास 93 स्टार्टअप। और अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में आपको बेंगलुरु, बेंगलुरु 12वें नंबर पे आपको यहां पे दिखाई देगा, 12वें नंबर पे, और बेंगलुरु में 8 यूनिकॉर्न है। और गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव 16वें नंबर पे है, आप देख सकते हैं उसके पास 6 स्टार्टअप है, तो 6 यूनिकॉर्न है। तो मतलब कहने का कि अगर आप लास्ट ईयर से कंपेरिजन करें तो इंडिया लॉस्ट में, बिकॉज इंडिया के पास कोई भी यूनिकॉर्न नहीं आया। अगर आप सिटीज की बात करेंगे तो बेंगलुरु जो है वो कितने नंबर पे, 12वें नंबर पे है स्टार्टअप के मामले में, और गुड़गांव जो है वो 16वें नंबर पे। ये सारे पॉइंट हमने आपको दिखा दिए यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वर्ल्ड टॉप मोस्ट स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखें तो गाइस इंडिया की बात हो रही, इंडिया में किसने किसने कहां कहां पैसे लगाए हैं, तो सॉफ्टबैंक जापान की कंपनी है जिसने इंडिया यूनिकॉर्न की बात करें तो 9 यूनिकॉर्न कंपनी पैसे लगाए, और अली चाइना देख लीजिए 5 यूनिकॉर्न में, मतलब चाइना भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है अगर यूनिकॉर्न की बात करें तो, है ना। तो चाइना देखिए यहां अलीबाबा 5 यूनिकॉर्न में, और डीएसटी ग्लोबल चाइना की है 3 यूनिकॉर्न में, और टेंसेट जो है चाइना की है 3 यूनिकॉर्न में। मतलब चाइना के 3 कंपनीज ने हमारे देश में निवेश किया है, हमारे हमारे मतलब यूनिकॉर्न में चाइना का बहुत सपोर्ट भी है, है ना। चलिए माइनस का मतलब क्या हुआ, देखिए एरो ऊपर जा रहा है मतलब यूनिकॉर्न बढ़े हैं, एरो नीचे आ रहा है मतलब यूनिकॉर्न कम हुए। और यहां पे 1, 2 ये माइनस नहीं है, वो मतलब डेटा है 1, 2, 3, 4, मतलब कि अब देखो यहां पे 5 के साथ एरो लगा, इसका मतलब कि यहां बढ़ा भी है और ये 5वें नंबर पे है। ठीक है, और कुछ मतलब नहीं है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करते हैं समिट इवेंट और मीटिंग की। पहली न्यूज थोड़ी बड़ी थी लेकिन आपको बहुत सारी चीजें समझानी थी। पहली, यूनिकॉर्न क्या होते हैं, इंडिया की कंडीशन क्या है, एंड एज वेल एज चाइना, चाइना का निवेश इंडिया में कैसे होता है, चाइना क्या हमको सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो मैंने आपको एक चीज समझाई कि क्यों हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना के साथ जो ये एफडीआई वाले नियम को स्ट्रिक किया, बिकॉज अगर हमारे स्टार्टअप में चाइना का ही पैसा लगा रहेगा तो हम थोड़ी परेशानी में आ जाएंगे इन फ्यूचर। आगे बढ़ते समिट इवेंट और मीटिंग की बात करते हैं गाइस, और यहां पर देख लीजिए तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे देश के किरण रिजिजू चेयर फर्स्ट जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ खेलो इंडिया स्कीम। ये न्यूज देखने में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पहला जनरल काउंसिल मीटिंग था, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। गाइस इतना, फर्स्ट जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ द खेलो इंडिया स्कीम कहां पर हुआ, दिल्ली में हुआ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पे तो मिस्टर रिजिजू
अर्ब द स्टेट टू ऑर्गेनाइज स्टेट लेवल खेलो इंडिया गेम एनुअली। मतलब इस मीटिंग में क्या हुआ, इस मीटिंग में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने हमारे सारे स्टेट से बोला कि हर स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट लेवल पर भी खेलो इंडिया गेम्स हर साल ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ताकि हम ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट को हम निखार सके और गेन कर सके। मिस्टर रिजू ने क्या बोला, स्टेट लेवल खेलो इंडिया गेम्स एनुअली होने चाहिए, एक पॉइंट, ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल इस तरह से होने चाहिए। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भावनाओं को समझने वाली बात है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अभी हमारे देश में जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ खेलो इंडिया स्कीम हुई, ये कौन सा एडिशन था, ये पहला एडिशन था, ये कहां पर हुआ, ये दिल्ली में हुआ, किसने इसकी अध्यक्षता की, तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इसकी अध्यक्षता की, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके अलावा गाइस अगर हम बात करें आपसे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन हरियाणा पंचकुला में होगा, मैंने बताया था ना, ये तो आपको लर्न करना है। मैंने आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला एडिशन, दूसरा एडिशन, तीसरा एडिशन और चौथे एडिशन की बात आपसे कर ली। आपके लिए दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन कहां पर होगा, हरियाणा में होगा, और 2020 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो 2020 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ कहां हुआ, वो हुआ गुवाहाटी असम में, आप यहां पर देखो। और अगर इसकी बात करें गाइस तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो गुवाहाटी में हुआ उसमें मेडल टैली में महाराष्ट्र ने टॉप किया, हरियाणा दूसरे नंबर पे और दिल्ली तीसरे नंबर पे। यानी दो पॉइंट तो आपको लर्न करना ही करना है कि 2021 वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर होगा, 2020 वाला कहां होगा, ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और गाइस थोड़ा शेयर वेयर करो, अपने दोस्तों यारों को जोड़ो भाई सेशन से, अगर इंफॉर्मेशन खराब हो तो बोलो, है ना, नहीं खराब मिलेगी तुम लोग को, मेहनत होती है हमारे करंट अफेयर्स कंटेंट में, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, इस आगे बढ़े। और मैंने यहां पर आपको लिस्ट ऑफ समिट जुलाई की पूरी दी है रिवाइज करने के लिए। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे गाइस एपेक, एपेक समिट एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, तो न्यूजीलैंड ने एपेक समिट को कैंसिल कर दिया 2021 वाला, कि एपेक समिट नहीं होगा, होगा तो वर्चुअली होगा, है ना। उसके अलावा गाइस द फोर्थ एडिशन ऑफ द वर्चुअल मिनिस्ट्रियल ऑन द क्लाइमेट एक्शन वॉज चेयर बाय द यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड कैनेडा, आपको शायद याद होगा चौथा एडिशन वर्चुअली हुआ, मिनिस्ट्रियल ऑन द क्लाइमेट एक्शन, ये को चेयर किया यूरोपियन यूनियन ने, चाइना ने और कैनेडा ने, इंडिया की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। या गाइस आपको पता है कि 15th मीटिंग ऑफ द इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट हुई थी और ये वर्चुअली हुई थी, तो शिमला जी थैंक यू सो मच। तो ये सब आपको रिवीजन करना है, मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है। जैसे कि श्रीपद नाइक ने इनॉग्रेट किया था द कॉन्फ्रेंस ऑन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज एंड एरोस्पेस, कहां पे, दिल्ली में, और इसकी थीम क्या थी, एम्पावरिंग इंडिया विद द आत्मनिर्भर भारत मिशन। और देख लें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हरसिमरत कौर बादल मिनिस्टर जो है, इन्होंने डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन का इनॉग्रेशन किया था ऑन द फूड प्रोसेसिंग, ये मैंने एमसीक्यू से आपसे पूछा था, है ना। प्राइम मिनिस्टर जी ने 17 जुलाई को, मतलब मोदी जी ने, आपको बताया यूएन की 75th एनिवर्सरी थी, उस मौके पर इको सॉक को एड्रेस किया, आपको मैंने यह भी पढ़ाया था, है ना। वही देखो, ये नई इंफॉर्मेशन ये मैं आपको नहीं दे पाया था, देख लीजिए। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री विल ऑर्गेनाइज अ वर्चुअल टी कॉन्क्लेव फ्रॉम 1st सितंबर टू 30th नवंबर। तो सीआईआई हमारे देश में वर्चुअल टी कॉन्क्लेव जो है, वर्चुअल टी कॉन्क्लेव, वो सेलिब्रेट करेगी 1st सितंबर से 30th नवंबर तक, और इसकी थीम होगी चाय पियो स्वस्थ रहो, ये पॉइंट देख लीजिएगा, ठीक है। और गाइस 21 मई को इंटरनेशनल टी डे भी हम मनाते हैं। वही निर्मला सीतारमन जी ने 3rd G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और ये मीटिंग जो है सऊदी अरेबिया लीड कर रहा था, आपको पता ये। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, थर्ड एडिशन याद करना इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे गाइस और बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स की। आपने एक बात देखी होगी गाइस, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि मेट्रो बैंक जो लंदन का, उसने विप्रो को हायर किया था फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन जो है, ये बहरीन का एक अपना सबसे पहला इंडिजीनियस बैंक था, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन, इसने इंफोसिस को सिलेक्ट किया है टू डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन और इंफोसिस।
अब ये इंफोसिस क्या है गाइस? तो इंफोसिस का एक सॉफ्टवेयर है फिनेकल, मतलब अगर आप इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में मैक्सिमम बैंक जो है वो फिनेकल पे काम करते हैं, फिनेकल इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन जो है वो इंफोसिस के फिनेकल पे काम करेगा और डिजिटल ट्रांसफॉर्म करेगा अपने आप को। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, याद रखिएगा। देखिए तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ये इंफोसिस फिनेकल को मतलब यूज करेगा फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैंकिंग बिजनेस। ये तो क्लियर है आपको, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन, इंफोसिस, इंफोसिस का फिनेकल। सुनो एग्जैक्टली में फिनेकल क्या है गाइस? तो फिनेकल प्रॉपर पूरा एक सूट है। सूट का मतलब क्या हुआ? जैसे एमएस ऑफिस पैकेज होता है, एमएस वर्ल्ड, एमएस एक्सेल, उसमें होता है पावर पॉइंट, वैसे ही फिनेकल प्रॉपर बैंकिंग इंडस्ट्री का एक सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? ये सॉफ्टवेयर ईडीजी एज वर्ब सिस्टम बनाती है। अब ये एज वर्ब क्या है? तो एज वर्ब जो है बेटा वो इंफोसिस की सब्सिडी, यानी आपको इंफोसिस याद रखना है, इंफोसिस के अंडर में काम करने वाली एज कंपनी है एज वर्ब, और एज कंपनी क्या बनाती है? फिनेकल बनाती है। ये पूरा सिस्टम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंफोसिस की ही एज वर्ब है और एज वर्ब की ही फिनेकल है, यानी मालिक कौन है? इंफोसिस ही है, ठीक है। तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन, इंफोसिस, फिनेकल, ऐसे याद कर लो, काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेगा इस आगे बढ़े तो ये मैंने आपको समझा दिया, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन, इंफोसिस, इंफोसिस का फिनेकल, फिनेकल किसका? एजवर्व का, सिंपल सा। तो मैंने क्या बोला था कि विप्रो को अभी मेट्रो बैंक ने हायर किया है, आपको पता ही है। अच्छा, उसके अलावा गाइस एक ड्यूश बैंक है, ड्यूश बैंक हमारा बैंक नहीं है, ड्यूश बैंक जर्मनी का बैंक है। ड्यूश बैंक और गूगल के बीच में भी ऐसा कुछ टाइप हुआ था, पार्टनरशिप हुई थी टू ड्राइव अ फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैंकिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर रिविजन, ड्यूश बैंक एंड गूगल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, याद रखिएगा। एक तीसरा पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि गाइस अभी आपको बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सिक्योरिटी रीजन की वजह से यूनिकैन के साथ टाई अप किया था। यूनिकैन एक डिजिटल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो कि मतलब आपके एटीएम कार्ड, आपके इंटरनेट बैंकिंग सब कुछ मतलब वो करती है, सेफ करती है, यूनिकैन और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शायद आपको याद होगा, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट हमने आपको दे दिया, आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये भी न्यूज देखने में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, क्यों? क्योंकि मैंने न्यूज आपको क्या दिया कि वेस्टर्न रेलवे लोड ऑनियन इन गुड्स ट्रेन फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन टू बांग्लादेश। मतलब वेस्टर्न रेलवे जो है वो मतलब प्याज, ऑनियन मतलब प्याज होता है, प्याज को ट्रेन के थ्रू बांग्लादेश बांग्लादेश भेज रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमने बांग्लादेश को कोई एग्रीकल्चरल आइटम भेजा है थ्रू ट्रेन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा कि गुजरात का कौन सा स्टेशन और बांग्लादेश में कौन सा स्टेशन, आइए सारी बात करते हैं। यहां पर देखिए देखिए तो गुजरात की बात करें गाइस, गुजरात में एक एक शहर है भावनगर, भावनगर में, भावनगर के मतलब गुजरात किस रेलवे जोन में पड़ता है? तो गुजरात वेस्टर्न रेलवे जोन में पड़ता है। यहां से ओनियन को लोड करके मतलब प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बांग्लादेश में भेजा जा रहा है, ठीक है, गुजरात के भावनगर स्टेशन से। भावनगर स्टेशन कौन सा जोन? वेस्टर्न रेलवे जोन। यहां से ओनियन को लोड किया जा रहा है और बांग्लादेश में भेजा जा रहा है, और ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर गुड्स को हम बाई ट्रेन भेज रहे हैं बांग्लादेश। ये फर्स्ट टाइम है गाइस, तो इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो कौन सा रेलवे जोन? वेस्टर्न रेलवे जोन। कौन सा स्टेशन? भावनगर। भावनगर में कौन सा स्टेशन, वो मैं नाम बता रहा हूं आपको, देखिए देखिए। तो ये भावनगर में गाइस क्या है, धोराजी, धोराजी रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन निकलेगी और बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर ये रिसीव होगी, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई कौन सा रेलवे जोन? तो वेस्टर्न रेलवे जोन। कौन सा स्टेशन? कौन सा स्टेशन? तो कौन सा स्टेशन? धोराजी स्टेशन। बांग्लादेश के कौन से स्टेशन पे? तो बांग्लादेश के दर्शना। ये तीन पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करने, ठीक है। तो ये तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, इसके अलावा गाइस आपको हम और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे गाइस विक्रम दोरईस्वामी की बात करें, विक्रम दोरईस्वामी ये अंबेसडर बने हैं इंडिया के कहां पे? बांग्लादेश में। ये रीवा गांगुली दास को रिप्लेस करने वाले विक्रम दोरईस्वामी,
ये भारत के राजदूत बने हैं कहां पे, बांग्लादेश में। उसके अलावा बांग्लादेश ने बकरीद के मौके पर डिजिटल हार्ट शुरू किया था फॉर द सेक्रीफाइसेस ऑफ द एनिमल, आपको ये भी पता है। उसके अलावा इंडिया ने अभी बांग्लादेश को 10 डीजल लोकोमोटिव भी दिया, ये भी तो बताया गाइस आपको, पढ़ाया गया आपको, है ना। आगे बढ़े और देख लें तो गाइस आपको पता है कि हमने 97 लाख टका देकर बांग्लादेश से बोला है कि भाई आपके इस देश में जो 300 साल पुरानी काली जो है काली माता टेम्पल है उसको आप फिर से बनाइए, क्योंकि ये टेम्पल श्री दयाराम रॉय ने बनाया था जो कि बाद में तोड़ दिया गया। तो अभी इंडिया 97 लाख टका देकर ये टेम्पल बनवा रही है, हमको बताया। उसके अलावा इंडिया बांग्लादेश ने डिसाइड किया है कि ये मिलकर 50-50% का ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे जो कि एलपीजी बिजनेस करेगी बांग्लादेश में, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट है रिविजन करने के लिए, याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, गाइस, और अब बात करते हैं एचआरडी मिनिस्ट्री की। एचआरडी मिनिस्टर लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ द आईआईएम एट धौला कुआं इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सिरमौर जिले के धौला कुआं में आईआईएम की आधारशिला रखी, मतलब आईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हम इसकी बात करेंगे। आइए पूरी इंफॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की बात करें तो इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रख दिया है आईआईएम एट धौला कुआं इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। यानी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट कहां पे, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के धौला कुआं में हम क्या बना रहे हैं, आईआईएम धौला कुआं बना रहे हैं, याद रहेगा हमें, ठीक है। अब ये जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट वाला ये धौला कुआं वाला जो आईआईएम है एग्जैक्टली ये है क्या, तो इन 2014 यूनियन गवर्नमेंट हैड टेकन अ डिसीजन टू एस्टैब्लिश 7 न्यू आईएम इंक्लूडिंग आईएम सिरमौर। तो 2014 में गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 7 नए आईएम्स बनाएंगे, तो उन 7 नए आईएम में ये एक आईएम था आईएम सिरमौर धौला कुआं, उसकी आधारशिला रखी गई है। यानी कि क्या ऐसा है क्या कि मोदी गवर्नमेंट जो भी कर रही है लेकिन एजुकेशन पे उतना अच्छा काम नहीं कर रही, ऐसा है क्या, मैं प्रूव करता हूं आपको, ठीक है। देखिए ये हमारे देश के आईएम है, टोटल 20 आईएम की लिस्ट हमारे पास है, और मैंने आपको ये भी दिखाया है कि कौन सा आईएम किस ईयर में बना और किस स्टेट में है और एनआईआरएफ रैंकिंग में क्या पोजीशन रखता है। एनआईआरएफ रैंकिंग याद है ना, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था आपको। तो आप देख सकते हैं गाइस कि आईएम बेंगलुरु कर्नाटका में है, 1973 में बनाया गया था और एनआईआरएफ रैंकिंग 2020 में नंबर 2 पर था और 19 में नंबर 1 पर था। वही आईएम अहमदाबाद की बात कर लें गुजरात में, 1961 में ये बना था और एनआईआरएफ रैंकिंग में नंबर 1 पर है सर, अगर आप मैनेजमेंट करेंगे तो। अब देखिए यहां पे चाहे आईएम कलकत्ता हो, लखनऊ हो, इंदौर हो, इनका एस्टैब्लिशमेंट ही आपके सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। मैंने आपको एनआईआरएफ रैंकिंग भी यहां पर दी हुई है, हालांकि एनआईआरएफ रैंकिंग आप 3 याद कर लीजिएगा, पहले नंबर पे अहमदाबाद, दूसरे पे बेंगलुरु, तीसरे पे कलकत्ता, ठीक है। और आप देखें गाइस तो यहां पर अगर आप देखें तो ठीक है, 1996 में बना आईएम उदयपुर, 11 में बना, 10 में बना आईएम रोहतक, 10 में बना, ठीक है। आईएम शिलोंग की बात करें 7 में बना, आईएम काशीपुर 11 में बना, झारखंड रांची की बात करें 10 में बना। अब देखो ये जो आपने 7 की बात की थी, आईएम नागपुर, आईएम बोधगया, और आप देखो तो यहां पर रैंकिंग है ही नहीं है, मतलब कि ये सब अभी इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश ही नहीं हुए प्रॉपर, ठीक। आप देखो सिरमौर की बात कर लो 2015, अमृतसर, ये सिरमौर जो हम लोग पढ़ रहे हैं 15, जम्मू 16, संबलपुर 15, विशाखापट्टनम 15, तो गवर्नमेंट के लिस्ट पर है लेकिन अभी ये कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए हैं। 14 का अनाउंसमेंट है और अभी ये 7 कॉलेज एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं, तो कहां से रैंकिंग होगी। तो हाँ, इस बात पर मैं बोलूंगा मोदी गवर्नमेंट ये काम ठीक नहीं कर रही है, थोड़ा सा एजुकेशन इंडस्ट्री में या एम्प्लॉयमेंट में उन्हें करना पड़ेगा अच्छा। चलिए तो मैंने आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दे दी, आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं आपसे नेशनल अफेयर्स न्यूज नंबर 2 की, और यहां पर हम बात करेंगे डोडो ड्रॉप एक एप्लीकेशन की। तो गाइस आपको पता है कि हम लोग अपना फाइल वाइल या मूवीज ट्रांसफर करने के लिए शेयरइट का यूज करते थे, लेकिन शेयरइट एक चाइनीज एप्लीकेशन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बैन कर दिया। तो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर हमारे देश में जम्मू कश्मीर के 17 साल के बच्चे ने डोडो ड्रॉप नाम का एप्लीकेशन बनाया, और ये डोडो ड्रॉप एप्लीकेशन शेयरइट से अच्छा काम करता है और आप इससे अपने सारे फाइल शेयर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं पूरी न्यूज़, यहां पर देखें। अशफाक महमूद चौधरी इसका नाम है, 17 साल के हैं, ये जम्मू कश्मीर के चट्टियार से बिलोंग करते हैं, मतलब ये कहां पर है, ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इन्होंने डोडो ड्रॉप नाम का एक एप्लीकेशन बनाया जिससे आप ऑडियोज, वीडियोज, इमेजेस, टेक्स्ट सब कुछ शेयर कर सकते हैं विदाउट द इंटरनेट कनेक्शन।
डोडो ड्रॉप किसने बनाया? अशफाक महबूब चौधरी ने, जम्मू कश्मीर के रजौरी डिस्ट्रिक्ट के 17 साल के एक ओल्ड बॉय हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे, अब ये डोडो ड्रॉप एप्लीकेशन जो है बेटा, इससे फाइल ट्रांसफर का जो रेट है पीएस है, जो कहीं ना कहीं शेयर बहुत ज्यादा, और ये शेयर इससे काफी इजी भी है यूज। आई थिंक ये चीजें नॉर्मल हो गई होंगी अभी। ठीक है, अभी सही हो गया होगा, तो ये आपको याद रखना है गाइस। ठीक है, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अवार्ड एंड विनर की, और अवार्ड और विनर की बात करें गाइस, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं फिक्की सीएसआर अवार्ड, फिक्की सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि गाइस ये न्यूज पुरानी है, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि मैं हर न्यूज कवर करूंगा, भले पुरानी हो लेकिन करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा। तो डालमिया भारत ग्रुप को फिक्की सीएसआर अवार्ड मिला है फॉर द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। डालमिया भारत समूह ने पर्यावरण स्थिरता के लिए फिक्की सीएसआर पुरस्कार जीता। ये आपको लर्न करना है, इसे आपको याद करना है। ठीक है, देखिए यहां पे तो डालमिया भारत ग्रुप, इनको एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए 18th फिक्की सीएसआर अवार्ड सेरेमनी दिया गया, मतलब सेरेमनी में ये अवार्ड दिया गया। याद कर लीजिएगा, अनुराग ठाकुर जो कि हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने ये अवार्ड डालमिया भारत ग्रुप को दिया एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए, फिक्की सीएसआर अवार्ड। इसे आपको लर्न करना है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा गाइस बात करें तो अभी हम बात करेंगे न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल की। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल इस बार वर्चुअली हुआ, और इस बार न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में मैथोन नाम की मूवी है और रन कल्याणी नाम की मूवी है, इसने कमाल कर दिया। मैथोन और रन कल्याणी, आइए इसके बारे में थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए यहां पे तो मलयालम फिल्म मैथोन और रन कल्याणी, इन्होंने 20th एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में धमाल मचा दिया। कौन कौन से प्राइज मिले मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना है कि न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल का कौन सा एडिशन था, तो 20वां एडिशन था। ठीक है, और कौन सी दो मूवी, तो मैथोन और रन कल्याणी, लेकिन ये दोनों मलयालम भाषा में है, तो ये याद रखिएगा कौन सी भाषा में, मलयालम भाषा में। आइए आपको और इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए तो रन कल्याणी मूवी की डायरेक्टर कौन थी, ये थी गीता जे, और ये इनकी पहली मूवी थी। ठीक, सुनो सुनो ध्यान सुनो, अब बात करें गाइस, तो गर्गिनी अनंत जिन्होंने कल्याणी की भूमिका निभाई है रन कल्याणी में, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एट द फेस्टिवल। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो हमारा न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल है, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गर्गिनी अनंत को मिला। किस मूवी के लिए, रन कल्याणी के लिए। तो एक पॉइंट ये हो गया, रन कल्याणी मूवी की डायरेक्टर कौन है, गीता जे हैं, जो कि इनकी पहली मूवी भी थी, याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, मथोन मूवी की, तो गीतू मोहनदास ये इस मूवी की डायरेक्टर। ठीक, और ये जो आपका मथोन मूवी है, ये क्लोजिंग फिल्म भी था, क्लोजिंग फिल्म न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल का। और अगर इस मूवी इसकी लिए बात करें, तो देखो यहां पे क्लोजिंग फिल्म ऑफ द 20th न्यूयॉर्क फिल्म इंडिया फिल्म फेस्टिवल, ये तो क्लियर है। उसके बाद क्या बोला गया है, इस मूवी को बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला। तो मथोन में ऐसा क्या क्या है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है निविन पॉली को, बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला है संजना दीपू को, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो इस मूवी को मिला ही मिला है। ठीक है, यानी दो मूवी की बात हमने की गाइस, फिर देख लो एक बार, हमने दो मूवी की बात की, हमने किसकी बात की, हमने मथोन की बात कर ली, हमने रन कल्याणी की बात कर ली। ठीक है, दोनों फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला, तो मथोन को कौन सा अवार्ड मिला गाइस, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला। वहीं अगर आप रन कल्याणी की बात करें, तो रन कल्याणी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यहां पे दिया गया। ठीक है, आप फिर देख लीजिए, या तो देख लीजिए, रन कल्याणी मूवी की डायरेक्टर कौन है, गीता जे है, और रन कल्याणी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया गार्गी को।
ठीक है, ये याद रहेगा आपको। वहीं अगर हम बात करें मोथोन की, तो गीतू मोहनदास इसकी डायरेक्टर थी, और अगर मोथोन की बात करें तो इसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला। नाम मैंने आपको बता दिया याद करने के लिए, ठीक है। द अदर विनर्स ऑफ द 20th न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, मैंने आपको और भी इंफॉर्मेशन दी है, आप देख सकते हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट फीचर डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट शॉर्ट, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायरेक्टर। देखो अब ये इतना बड़ा तो ये देखो मतलब अवार्ड शो नहीं है, है ना, तो आपको बहुत डीप में जाना नहीं है। इंडियन मूवीज का नाम रखना है तो आपको बेस्ट डायरेक्टर का नाम याद रखना है। इसमें आंचल मिश्रा को मिला गमक, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इंडिया को मिला, है ना, बेस्ट एक्टर का भी मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का भी मिला, बेस्ट फिल्म का भी मिला, और बेस्ट चाइल्ड एक्टर का भी इंडिया को ही मिला। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहां पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं अवार्ड एंड विनर में न्यूज नंबर 3 की, और यहां पर हम बात करेंगे आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्टों ने। आईआईटी खड़गपुर रिसर्चर अवार्डेड फॉर द जनरेटिंग पावर फ्रॉम वेट क्लॉथ। तो आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं को गीले कपड़ों से बिजली बनाने के लिए सम्मानित किया गया। इन्होंने इन्होंने एक एक जगह पर जाकर 50 कपड़े गीले किए और सूखने के लिए डाल दिए, और उन 50 कपड़ों को वायर के थ्रू कनेक्ट किया और एक सेमी कनेक्टर लगाया और बिजली पैदा कर दी। अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है ये, ठीक है। आइए देखिए, तो आईआईटी खड़गपुर के कुछ साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, उनको गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड 2020 क्यों? क्योंकि इन्होंने डेवलपिंग अ मैकेनिज्म फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेट क्लॉथ लेफ्ट अंडर सनलाइट टू ड्राई, है ना। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। देखिए तो ये ग्रुप ऑफ रिसर्चर कौन थे, 4 लोग थे बेसिकली, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, प्रोफेसर पार्थ साहा, डॉक्टर आदित्य बंदोपाध्याय, ये 3 लोग थे, सॉरी, इनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020, याद कर लीजिएगा। क्यों मिला है? तो गीले कपड़े से बिजली पैदा करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं आपसे स्टेट लेवल पे न्यूज नंबर 1 की। यूपी वालों के लिए एक अच्छी खबर है, यूपी में एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, और वो भी यूपी के 6 डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। यूपी टू सेटअप एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क, और वो भी 6 डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन से? देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि वो अपने स्टेट में इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, और ये इंडस्ट्रियल पार्क जो होंगे वो एमएसएमई के लिए होंगे और 6 डिस्ट्रिक्ट में खुलेंगे। अब ये 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं वो देख लें। तो ये कौन कौन से हैं, तो एक तो वाराणसी है, मोदी जी का अपना एरिया, एक है आगरा, ठीक है, एक है कानपुर, एक है मुरादाबाद, एक है गोरखपुर और एक है आजमगढ़। तो वाराणसी, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, इन 6 डिस्ट्रिक्ट में गाइस इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे फॉर द एमएसएमई। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया का 14% एमएसएमई कवर करता है, मतलब एमएसएमई यहां पर ज्यादा है भी, और एमएसएमई में आप यहां पर ग्रोथ देख सकते हो, बिकॉज यहां पे चीप रेट पर लेबर मिल जाएंगे, यहां पर बहुत लोग काम करने के लिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन आजकल बढ़िया हो गया है, हाईवेज बन गया है, सब कुछ है, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है यहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, अब बात करेंगे एक्स्ट्रा हाईलाइट की, और एक्स्ट्रा हाईलाइट में मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी जी, इन्होंने मिलकर स्वच्छ भारत क्रांति नाम की बुक का विमोचन किया, मतलब रिलीज किया। बुक का नाम स्वच्छ भारत क्रांति, किसने इसका कुछ रिलीज किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने और स्मृति ईरानी ने। आइए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने। तो स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन, मतलब स्वच्छ भारत क्रांति एक बुक है, जिसे एडिट किया है, किसने? परमेश्वरम अय्यर ने। अब ये परमेश्वरम अय्यर कौन है? ये सेक्रेटरी है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बुक को एडिट किया है और एक बुक बनाकर स्वच्छ भारत क्रांति नाम की बुक बनाकर पब्लिश कर दिया। एग्जैक्टली में क्या है गाइस, आपको बता कि स्वच्छ भारत है क्या, सफाई से जुड़े हुए। तो जितने बड़े लीडर्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट हैं, अचीवमेंट्स हैं, तो जो जो भाषण हुए थे, करीब 35 भाषण को, भाषण के कुछ पार्ट इन्होंने निकाल के एक बुक बना दी। तो स्वच्छ भारत क्रांति बुक, इसे एडिट किसने किया? परमेश्वर अय्यर ने किया। ये कौन है? सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और इस बुक का विमोचन किसने किया? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी जी ने दिल्ली में किया। सिंपल सा ये आपको लर्न करना है, ठीक है। न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं, तो यहां पर हम ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन की बात करेंगे, मतलब तो यूनियन टेरिटरी ऑफ द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक, इन्होंने अपने यूटी में ई ज्ञान मित्र नाम का एक एप्लीकेशन बनाया है बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए।
बच्चे इस एप्लीकेशन से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और इन्होंने मिलकर ई ज्ञान मित्र नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़े, न्यूज नंबर 3 की बात करते हैं गाइस। तो यहां पर हम एनआईटी की बात करेंगे, एनआईटी त्रिची तमिलनाडु टू ऑफर एमए इन द इंग्लिश लिटरेचर। मतलब क्या हुआ इससे, आपको बता कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो एक बंधन था कि टेक्नोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल टेक्नोलॉजी वाली डिग्री प्रोवाइड करेंगे, जो लिटरेचर वाले हैं वो केवल लिटरेचर करेंगे, तो ये अब टूट गया है बंधन। तो एनआईटी ट्रिची ने भाई टेक्नोलॉजी में तो वो कोर्स करा ही रहे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एमए इन इंग्लिश शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिची हैज स्टार्टेड एन एमए प्रोग्राम इन इंग्लिश लिटरेचर। क्यों? इट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिमूविंग बैरियर बिटवीन आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन लाइन विद द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो एनआईटी त्रिची एमए प्रोग्राम इन इंग्लिश लिटरेचर आपको याद रखना है। आगे बढ़े गाइस, और अब बात करेंगे अपने एमसीक्यूज की। तो हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है और मेरे क्वेश्चंस होंगे और आपके आंसर्स होंगे, ठीक है। मेरे क्वेश्चंस आपके आंसर होंगे। मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली विदड्रॉन फ्रॉम द वुमेन्स वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप शेड्यूल इन कुआलालंपुर मलेशिया। मैंने कल आपको पढ़ाया था, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इंडिया हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो वहीं गाइस बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंट मेरापी अभी इरप्ट किया था, इंडोनेशिया की बात करें, है ना। अगर हम चाइना की बात करें गाइस, तो चाइना ऑफर बांग्लादेश 97% ऑफ टैरिफ ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब कि अगर बांग्लादेश चाइना को कुछ एक्सपोर्ट करता है तो चाइना 97% तक का टैक्स माफ कर देगा। वहीं बांग्लादेश की बात करें गाइस, तो बांग्लादेश ने अपने देश में कोविड-19 के लिए सोहो जोधा नाम का एक कैंपेन चलाया था, सोहो जोधा। वहीं अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए ने गाइस टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है ग्रीन कार्ड एंड नॉन माइग्रेंट वर्क वीजा टिल 31 दिसंबर 2020। आपको पता है, तो एक बार रिविजन कर लेते हैं गाइस, ठीक है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में माउंट मरापे इरप्ट हुआ। चाइना की बात कर ले, चाइना ने क्या किया गाइस, तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने हाँ बांग्लादेश से डील किया है कि उनके एक्सपोर्ट पर 97% का हम टैरिफ मतलब खटा देंगे। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश नाम क्या था, सोहो जोधा नाम का एक कैंपेन, ठीक है। यूएसए की बात करें तो दिसंबर 30 दिसंबर तक क्या किया इन्होंने, इन्होंने ये जो ग्रीन कार्ड होता है और जो ये नॉन माइग्रेंट वर्क वीजा है उस पर रोक लगा दी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। Who among the following has been declared as the new president of the Guyana? President of the Guyana, what is the answer? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, माइकल मार्टिन, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ये पांचवें प्राइम मिनिस्टर बने हैं इसराइल के, आपको पता है। मैंने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको, मेरे ख्याल से आप बता देंगे। बोल्कन बोजगिर की बात करें, ये टर्की के डिप्लोमेट हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने, आपको पता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इरफान अली हो जाएगा, आपको पता है। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए तो माइकल मार्टिन की बात कर रहे हैं, ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पांचवे प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। मोए तक्सी माजुरो ये लिसिथो के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लिसिथो कंट्री के। और वोल्कन बोजकिर की बात करें तो ये यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं, जो मैं आपको बता रहा था। फिर देख लीजिए, तो भैया ये कौन है, ये लिसिथो के प्राइम मिनिस्टर है, ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है पांचवे, ये आयरलैंड के हैं और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के टर्की के डिप्लोमेट हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज ऑल सेट टू टेक ओवर एस एमडी एंड सीईओ ऑफ द एचडीएफसी बैंक। पढ़े हम लोग ये से, कल पढ़े थे हम लोग। तो आपको पता है आदित्य पुरी हटेंगे और आदित्य पुरी की जगह कौन लेगा। आंसर सिंपल, आंसर सिंपल है, इनका नाम क्या होगा, इनका नाम होगा शशिधर जगदीशन। तो ये अरुण सिंघल कौन है गाइस, तो मैंने तो पढ़ाया, ये कौन है बेटा, ये सीईओ है कहाँ के, ये सीईओ अपॉइंट हुए हैं FSSAI के, शायद आपको याद होगा शायद, है ना। देख लीजिए यहाँ पे, है ना, अरुण सिंघल सीईओ ऑफ द FSSAI। अनीता कोटवानी कौन है, तो ये सीईओ बनी है कैरेट इंडिया का, कैरेट इंडिया की सीईओ बनी है। अंकुर जैन की बात कर ले, कौन है भाई, तो ये चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बने हैं भारत पे के। वहीं आप पैट्रिक की बात कर लें तो ये चेयरमैन बने हैं ट्विटर बोर्ड के, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। याद तो हमें है ही है भाई, पैट्रिक कौन है, तो ये क्या बने हैं, ये बने हैं चेयरमैन ऑफ द ट्विटर बोर्ड। अंकुर जैन की बात कर लें, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ऑफ द पेटीएम ना,
अरे सॉरी, भारत पे, सॉरी सॉरी मैं खुद भूल गया, भारत पे, भारत पे याद रखिएगा, भारत पे। अनीता की बात करें तो अनीता जी क्या बनी है, ये सीईओ बनी है कैरेट इंडिया की, अरुण सिंघल सीईओ ऑफ द FSSAI, ठीक है, याद रहेगा हमें, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। द बायोग्राफी ऑफ इंडियन प्लेयर विश्वेश भृगुवंशी टाइटल्ड विशेष कुर्तुवे हैज बीन रिटन बाय निरुपमा यादव, विशेष वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो मैंने आपको बताया था गाइस, 2010 में ये हमारे इंडियन टीम के, इंडियन बास्केटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं, तो इसका आंसर इनको पता है बास्केटबॉल। अब हॉकी, रनिंग, हाई जंप, इनकी बात कर लें, हॉकी की बात करें गाइस, तो इंडियन हॉकी फीमेल टीम, वुमेन टीम की कैप्टन कौन है? रानी रामपाल, रानी रामपाल। और रानी रामपाल को इस बार हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है ना। वही रनिंग की बात करें गाइस, तो रनिंग मतलब एथलीट की बात करें, रनर की बात करें, तो गोमती मारी मुथु इन पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है, टेस्ट पॉजिटिव आया गया। तो गोमती मारी मातु कौन थी? तो ये रनर थी, एथलीट रनर थी, ठीक है। वहीं अगर हम जंपर की बात करें गाइस, तो रशिया के एक जंपर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर सुस्तो, इन पर भी 4 साल का बैन लगा दिया गया है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। द न्यूली इंस्टॉल्ड मास फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम एट द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद हैज बीन सेटअप बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इन एसोसिएशन विद। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन कौन मिलकर कर रहा है गाइस, याद करिए। तो ये कौन कर रहा था? ये कर रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एडीबी और यूनिसेफ। एडीबी और यूनिसेफ आपको शायद मैंने पढ़ाया था कल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एडीबी एंड द यूनिसेफ, है ना। आइए आपको आगे ले चलते हैं। सबसे पहले आपको हम USAID के बारे में बात करते हैं। तो USAID, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिनेबल एनर्जी ने USAID के साथ एग्रीमेंट किया था फॉर द क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट, क्लियर। और देख लीजिए, IMF की बात करें तो IMF ने भी साउथ अफ्रीका को $4.3 बिलियन की हेल्प दी है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने गंगा जी के पुनरुद्धार के लिए $400 मिलियन का अमाउंट दिया है। वहीं अगर हम अंकटेड की बात करें तो अंकटेड ने क्या बोला है कि टूरिस्ट सेक्टर को $1.2 ट्रिलियन का लॉस होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, अंकटेड की बात कर ले, $1.2 ट्रिलियन का लॉस होगा पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म सेक्टर को। वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन का लोन दिया है फॉर द रिजुविनेशन ऑफ गंगा रिवर। IMF की बात कर ले, IMF ने 4.2 है ना, 4.2, एक बार देख लेते हैं, गलत नहीं करना हमें, 4.3, तो IMF ने 4.3 बिलियन की हेल्प की है साउथ अफ्रीका की। वहीं USAID और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक एग्रीमेंट किया है फॉर द क्लीन एनर्जी, ठीक है, तो ये हमको पता रहेगा, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने एक बुक रिलीज की है और इस बुक का नाम था सियासत में सस्ता। इस बुक के ऑथर कौन है, ये आपसे पूछा गया। इस बुक के ऑथर बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विनय कुमार चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। तो विनय कुमार चौधरी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और उसके अगर आगे बढ़े, देख लीजिए, तो विनय कुमार चौधरी के अलावा भी हमने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे दिनियर पटेल। दिनियर पटेल की बुक है नरोजी, पाइनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म बायोग्राफी। मेघा मजूमदार की अ बर्निंग बुक आई है। शोभा डे की लॉकडाउन लेसन्स आई है। और ल्यूक कॉन्टिन्हो की द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्रीव टू थ्रीव, ये बुक आई है। ये सबको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विच कंपनी हैज कंफर्म द प्लान टू एक्वायर टिकटॉक USA ऑपरेशन, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कितने परसेंट शेयर एक्वायर किया जाएगा। तो मैंने आपको बोला था टिकटॉक को एक्वायर कौन करेगा, माइक्रोसॉफ्ट करेगा, बात चल रही है अभी, माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर डी। गूगल की बात करें गाइस, तो गूगल इंडिया में अगले 5 से 7 साल में कितना निवेश करने वाला था, कितना, $10 बिलियन का, आपको पता है। उसके अलावा फेसबुक की बात करें तो फेसबुक और CBSE के बीच में एग्रीमेंट हुआ था गाइस, आपको याद होगा, फॉर द ऑगमेंटेड रियलिटी, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, आपको शायद याद होगा, है ना। देखिए, गूगल $10 बिलियन का निवेश अगले 5-7 साल में, फेसबुक और CBSE के बीच में एग्रीमेंट हुआ था ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सब चीज के लिए। अमेजन पे की बात करें तो इन्होंने अभी एको जर्नल इंश्योरेंस से एग्रीमेंट किया था। और भाई एप्पल की बात करें तो एप्पल ने अरामको को छोड़ दिया पीछे, और एप्पल जो है वो पहली US कंपनी बन गई है जिसने $1.5 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटल को क्रॉस कर लिया,
ठीक है, आप देख लीजिए फिर से एक बार। तो गूगल 5 to 7 ईयर में $10 बिलियन का निवेश, फेसबुक, सीबीएसई, अमेजन पे और एक्को जनरल इंश्योरेंस, माइक्रोसॉफ्ट उसका आंसर ही है, और एप्पल $1.5 ट्रिलियन कंपनी। ठीक है, ये सब आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले गाइस। विच कंपनी हैज रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन टू लॉन्च एंड ऑपरेटर प्लांट कॉन्स्टेलेशन ऑफ 3236 इंटरनेट सैटेलाइट। गाइस ये मत भूलना, ये नंबर मत भूलना, ठीक है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, हम किसकी बात करेंगे, हम अमेज़न की बात करेंगे। तो अमेज़न को अपने एक प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट कौन सा है, वो भी क्वेश्चन मेरे पास अभी आगे है, लाइसेंस मिल गया है। मतलब अमेज़न जो है वो 3236 सैटेलाइट का यूज करके इंटरनेट लाएगी यूएस के लिए, तो आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर स्पेसएक्स की बात करें, मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पेसएक्स ने 58 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किया था फॉर द सेम इंटरनेट के लिए, और इनके मिशन का नाम है राइट शेयर मिशन। SpaceX 58 इंटरनेट 58 स्टारलिंग इंटर सैटेलाइट, ठीक है। वहीं यहां पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं OHB सिस्टम, ये क्या है, तो OHB सिस्टम जो है वो जर्मनी कंपनी है, और इसने 445 मिलियन यूरो का एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ, ठीक है। और देख ले हम लोग गाइस आगे, सॉरी अगर आप देखेंगे यहां पे तो प्रीडशार एक यहां पे लिखा हुआ है, इसने स्पेसएक्स से एग्रीमेंट किया है टू लॉन्च अ स्मॉल सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। वहीं अगर आप वर्जिन ऑर्बिट की बात करें तो वर्जिन ऑर्बिट क्या है, एम्स टू हेल्प नासा ब्रिंग 11 स्मॉल सैटेलाइट टू स्पेस। ये सारी इंफॉर्मेशन रिविजन कर लीजिएगा, हमारे पीडीएफ में रहेगा। हम आगे बढ़ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज लॉन्च द खादी गिफ्ट बॉक्स ऑफ सिल्क मास्क। तो खादी गिफ्ट बॉक्स ऑफ सिल्क मास्क किसने लॉन्च किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। खादी गिफ्ट बॉक्स ऑफ सिल्क मास्क, मैंने कल आपको पढ़ाया था, ये नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया। रविशंकर प्रसाद जी ने भारत का पहला नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है, www.ai.gov.in। वहीं किरण रिजिजू की बात करें तो इन्होंने खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम लॉन्च किया था। प्रकाश जावड़ेकर जी ने नगर वन स्कीम लॉन्च की थी, और राजकुमार सिंह जी ने #iCommit कैंपेन लॉन्च किया था, इसे पढ़ाया गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू सेटअप अ वर्चुअल म्यूजियम ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। मैंने कल आपको पढ़ाया था, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर से भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप पीडीएफ से रिविजन कर लीजिएगा, टाइम कम हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, Which state signed a MOU with the Hindustan Unilever Limited, PNG and ITC to support economic empowerment of women? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बेटा, आप पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर राजेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द विच स्टेट। डॉक्टर राजेश कुमार ये अपॉइंट हुए चीफ सेक्रेटरी किस स्टेट के? डॉक्टर राजेश कुमार की बात करें तो ये मणिपुर के नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, मणिपुर के राजेश कुमार आईएएस, ये क्या बने हैं, नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी बने हैं बेटा स्टेट ऑफ मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला जी बनी है, ठीक, याद कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट, अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। विश्वास मेहता ये केरला के चीफ सेक्रेटरी बने हैं, विनी महाजन पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है, मनोज कुमार त्रिपुरा के बने हैं, संजय कुमार महाराष्ट्र के बने हैं, ये सब देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुयाना। हमने कल गुयाना के प्राइम मिनिस्टर की बात की थी, हमने गुयाना के प्रेसिडेंट की बात की थी, आज आपको कैपिटल बतानी है। मैंने कल आपको पढ़ाया था गुयाना की कैपिटल जॉर्जटाउन है, ऑप्शन नंबर सी। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्या बोला गया है, विच पेयर अमंग द फॉलोइंग रिटर्न फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एट नासा स्पेस एक्स डेमो 2 टेस्ट फ्लाइट। तो ये नर्सों की न्यूज है, आपको बताना है कौन कौन दो एस्ट्रोनॉट हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आ चुके हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम बॉब बैनकन है और डग हर्ली है, ये दो लोग वापस आए हैं। तो टू एस्ट्रोनॉट यूएस के बॉब बैनकन और डग हर्ली ये ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लौट आए हैं। ये मिशन इंपॉर्टेंट क्यों था, बिकॉज पहली बार नासा ने किसी प्राइवेट इंटरप्राइज मतलब स्पेस एक्स से एग्रीमेंट करके ये काम किया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़े, रशिया प्लान मास वैक्सीनेशन अगेंस्ट COVID-19 बाई विच मंथ। रशिया मास वैक्सीनेशन करेगा किस ईयर में, किस मंथ में, ये आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर अक्टूबर होगा, अक्टूबर मंथ में रशिया प्लान मास वैक्सीनेशन अगेंस्ट COVID-19, ठीक है। देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ सारा पॉइंट, रशिया पहला देश है इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट द ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ COVID-19 वैक्सीन।
नेक्स्ट पॉइंट, तो हाल ही में वन नेशन वन कार्ड की बात करें तो कितने स्टेट और यूटी को इसमें जोड़ लिया गया है, नए वन नेशन वन राशन कार्ड, तो अभी चार नए स्टेट और यूटी को इसमें ऐड किया गया है, वो चार कौन है, तो चार है जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं, देख लीजिए, तो राइट नाउ अभी तक 20 लोग हो चुके हैं, 20 स्टेट और यूटी हो चुके हैं, चार जो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं वो नाम आपके सामने, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट, थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट टू प्रमोट गोल्फ टूरिज्म इन इंडिया। भारत में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना किस स्टेट में शुरू की गई है, और इसका आंसर होगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी, आप देख लें। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद जोशी हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट इन मिजोरम ऑन 4 अगस्त, याद रख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च डीडी असम चैनल वर्चुअली, डीडी असम चैनल वर्चुअली किसने लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्टर ये शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एचपी मतलब कि एचपी हैज अपॉइंटेड केतन पटेल एज द एमडी ऑफ द ग्रेटर इंडिया रीजन, आपको पता है कि मैंने पढ़ाया था, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एचपी इंडिया, एचपी इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे, तो एचपी इंडिया का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हु इज स्वॉन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुयाना, आपको पता है कौन बने हैं, तो ये बने हैं मार्क फिलिप्स, ऑप्शन नंबर बी, मैंने कल आपको पढ़ाया था। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, कल मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट में ये दिया था, तो ये चेन्नई में है, ऑप्शन नंबर बी। Where will the 2028 summer Olympic will be held? Guys, मैंने आपको summer Olympic और winter Olympic की कल वेन्यू दिखाया था आपको, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लॉस एंजल्स, यूएसए। अमेजन का जो प्रोजेक्ट है कूपियर, कूपियर प्रोजेक्ट जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो कितना इन्वेस्टमेंट करेगा अमेजन इस पर, ये आपसे पूछा गया, कल मैंने आपको पढ़ाया था, अमेजन $10 billion का निवेश करने वाला है। उसके अलावा गाइस, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत सरकार ने सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल 1957 के सबसेक्शन 1 का नियम चेंज कर दिया, उसमें यह बोला गया था कि कंपनीज को 2 साल दिए जा रहे हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग को 25% करने के लिए, लेकिन कितना साल और बढ़ा दिया गया, तो आपको इस पता है कि 1 साल और बढ़ाकर इसे 3 साल कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नितिन गडकरी हैज लॉन्च द खादी गिफ्ट बॉक्स ऑफ सिल्क मास्क, तो आपसे पूछा गया कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, मैंने कल आपको पढ़ाया एक्स्ट्रा पॉइंट में, इसका आंसर मुंबई होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वॉट आर द जीएसटी कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, मैंने कल आपको जुलाई, जून, अप्रैल, मई सबका डेटा दिया था, एंड द आंसर इज 8742 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, अ फॉर्मल एमओयू वॉज साइन बिटवीन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड विच ऑर्गेनाइजेशन, ये रिविजन करने के लिए, तो गाइज आपको पता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इन्होंने सेबी के साथ भी एग्रीमेंट किया था, इन्होंने सीबीआईसी के साथ भी एग्रीमेंट किया था, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ भी एग्रीमेंट किया था, है ना, तो ऑप्शन देख ले, तो सेबी यहां पर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द सेबी, तो आपको पता है ये कौन है, अजय त्यागी जी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे पूछा गया है आपसे कि वेयर हैज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ओपन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर, मैंने कुछ दिन पहले, इवन कुछ महीने पहले मैंने आपको ये रिविजन कराया था, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बिहार खादी विदाउट एनी कॉस्ट, पंकज त्रिपाठी बने हैं, मिर्जापुर कालीन भैया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़े तो आपसे पूछा गया है कि यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है कि टिकटॉक को भाई कोई अमेरिकन कंपनी खरीद ले, तो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी कौन है, कल मैंने आपको बताया था, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइटडांस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो गाइस आपको यूनिसेफ के हेड कौन है राइट नाउ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे, न्यूयॉर्क में है, और यूनिसेफ के हेड कौन है गाइस, तो आपको पता है ये है हेनरिटे H4, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हु इज प्रेजेंट यूनिसेफ रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, भारत में वर्तमान यूनिसेफ के प्रतिनिधि कौन है, ये आपसे पूछा गया, 5 ऑप्शन, आंसर क्या होगा, यास्मीन अली हक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द एनी प्राइवेट बैंक इन इंडिया, करीब 1994 से 2020 तक, और वो कौन है, वन एंड ओनली, ये कौन है, आदित्य पुरी, HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गाइस ये था हमारा सेशन, दिन के 2 बजे हम फिर से आपसे मिलेंगे, किस चीज के लिए, GA मेंस क्लास के लिए, दिन के 2 बजे सेम चैनल पे, और आपको आना है, धमाल मचाना है।
तो गाइस सेशन हमारा कैसा आपको लग रहा है, और डे बाय डे हम क्या ग्रोथ कर रहे हैं या हम डिक्लाइन जा रहे हैं, या कुछ सजेशंस आपके हैं? और अगर आपको हमारा सी अच्छा लग रहा है गाइस, तो आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे 1000 लाइक चाहिए। तो जो बच्चे भी देख रहे हैं सेशन को, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, प्लीज लाइक कर दें, हमें इसकी जरूरत है। और दूसरी बात गाइज, हमें अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए। बेटरमेंट की जरूरत सबको पड़ती है, आपको पड़ती है, मुझे ही पड़ती है। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, मैंने आपसे किया था कि डे बाय डे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं 2 बजे, और जम के मेहनत करिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन मंगलमय।